तो किसान वीरों, हम आ चुके हैं समृद्धि डेयरी फार्म जो कि अमोदिया में आता है और आप देख सकते हो मेरे पीछे कितनी सारी गायें हैं। तो चलिए किसान वीरों, वीडियो शुरू करते हैं। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आएँ वो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी ज़रूर दबा दें, हमारी नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए किसान वीरों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम संदीप पाटीदार है। अच्छा सर, कहाँ पर आता है आपका डेयरी फार्म, इसकी जगह बताइए। ये धार डिस्ट्रिक्ट में है और तहसील बदनावर है, ग्राम अमोदिया, पोस्ट गाजनौर। अच्छा अच्छा। हाँ, और सर धार से कितना किलोमीटर आता है? ये धार से लगभग 35 से किलोमीटर के आसपास। अच्छा सर, और बदनावर से? बदनावर से 17 से 18 किलोमीटर। 17 से 18 किलोमीटर। सर आप सबसे पहले आप बता दीजिए कि आपके पास कौन सी नस्ल की गायें हैं? ये गुजरात की देसी गिर नस्ल है। अच्छा सर। और सर्वप्रथम वहीं से खरीदी थी अपन ने। और सर कितनी गायें हैं आपके पास में? अपने पास अभी टोटली 18 गाय है। 18 गाय। सर वैरायटी बताइए एक बार आपकी गायें। वैरायटी इसमें ये गिर है और ये इसकी क्वालिटी कान वगैरह सब बड़े रहते हैं जी सर। और उसके बावजूद इसमें 3 वेरायटी है और इसमें एक सबसे सर्वप्रथम वाली जो है वो बेस्ट है। अच्छा सर, तो सर वो गायें बताइए आप। सर आपने इतनी गायों से डेयरी फार्म शुरू किया है तो सर इसके बारे में थोड़ी बताइए कि आपने इतनी गायें शुरू में क्यों लाए सर? अपन ने स्टार्टिंग 6 गाय से करी थी। अच्छा सर। और उसके कुछ दिन बाद, करीब 2 से 3 महीने बाद, फिर 6 लेके आए थे। अच्छा। और उसके बाद फिर 2-3 महीने छोड़ के फिर 5-6 गाय लेके आए थे अपन। अच्छा। ऐसे कर करके अपन ने इकट्ठी कर ली 18 गाय। जी जी। तो चलिए सर आप बताइए जो कि आपके यहाँ पर सबसे अच्छी गायें। ये वाली सबसे बेस्ट गाय है। अच्छा। ये क्वालिटी नंबर 1 है। सर कितनी प्राइस आई थी सर ये? ये वहाँ पे अपन ने खरीदी 65,000 में। 65,000। हाँ। तो सर जो आप इतनी गाय लाए हो तो सारी आप गुजरात से लाए हो? हाँ, सभी गुजरात से लेके आए। सर कितनी कॉस्ट आती है एक गाय की एवरेज? एवरेज अगर देखा जाए तो 50 से 55 हज़ार तक की अच्छी से बेस्ट बेस्ट गाय मिल जाती है। अच्छा। अपने प्रोवाइडर के अनुसार, अगर बजट अगर अच्छा हो तो अच्छे 1-2 लाख तक की भी गाय आती है इसमें। वो बजट के ऊपर अपने इधर माहौल जो सूट होती है वो भावनगर पालीताना वाली रहती है। जी जी। वो बेस्ट रहती है। सर एक बार आप अपनी गाय बताइए कि कौन सी गाय कितनी कीमत में आपने खरीदी थी? ये तो बच्ची है। हाँ सर। इसका नाम सुनती है, ये करीब अभी 17 महीने की हुई है। 17 महीने। हाँ। और ये है जमुना। जी। ये अभी 51 है और ये एक टाइम का दूध देती है, 5 लीटर 7 लीटर के आसपास देती है। अच्छा अच्छा। हाँ सर, कितनी कीमत थी इसकी? इसकी उस टाइम में लाया थे अपन करीब 18 महीने पहले, तो इसकी कीमत थी 55,000 के आसपास। सर आपने डेयरी फार्म कब स्टार्ट करा था? ये 2017 में करा था। अच्छा। 11वां महीना था उसके बाद शुरू करा था। 2017। हाँ, 4/12/2017। सर तो सर अभी आप ये बताइए कि आप जो इन गायों का दूध बना रहे हो सर, ये आप दूध सेल कर रहे हो या घी बेच रहे हो? नहीं, दूध भी करते हैं, आसपास क्षेत्र में जो घर लेने आते हैं उनको दूध देते हैं, और बाकी हमारा जो बिजनेस है वो घी के ऊपर है। अच्छा सर। अपन घी बनाते हैं और अभी कुछ समय तक दुबई भी पहुँचाया घी। अच्छा सर, दुबई? अभी दुबई भी जा रहा है घी, और इंदौर जा रहा है। अच्छा। और रतलाम जा रहा है, ऐसे बदनार में भी जा रहा है, आसपास के क्षेत्र में 1-1 किलो वाले भी लोग हैं वो भी ले जाते हैं, और मूल्य इसका रखा है 1500 रुपये 1600 रुपये। अच्छा। कोस्ट रखी हुई। सर दुबई कितने रेट में जाता है? दुबई अपना जाता है 1400 रुपये केजी में जाता है। 1400 रुपये केजी। हाँ सर। ट्रांसपोर्टेशन लगती होगी वहाँ पर? नहीं, अपना अभी कोई ट्रांसपोर्टिंग चार्ज नहीं लग रहा है। अच्छा सर। और सर आप एक बार अपनी गाय बताइए जो वहाँ पर हम देख रहे हैं, जो कि सर ये आप बता रहे हो इस गाय की कितनी कीमत थी जो कि आप बता रहे हो? ये वाली अपने यहाँ माहौल सूट हुआ नहीं, इसका मेन चीज़ तो है अपन अच्छी क्वालिटी के देख के लाए थे, इसकी फुल 100% गारंटी थी और प्योर घी रहे। ये वहाँ पे अपने को मिली थी 65,000 में जी सर। और यहाँ आके इसका थोड़ा डैमेज हो गई, माहौल सूट वगैरह हुआ नहीं, उसके कारण थोड़ी सी दुबलापन हो गया है, थोड़ा सा दुबलापन हो गया। हाँ। और सर अभी आपके पास जो टोटल गाय है उनमें से कितनी गायें दूध दे रही है? अभी 5 गाय दूध दे रही है। 5 गायें दूध दे रही है। हाँ। ओके सर, तो अब हम इसमें बात करते हैं कि सर ने शेड बना रखा है, तो सर इसके बारे में पहले थोड़ी डिटेल बताइए कि आपने इस तरह का बनाया है इसको।
ये 30x60 बना रखा है। अच्छा। और ये गमान वगैरह बीच में बना रखी है, जो बीच में गली है। गली इस कारण है कि जब नीराव वगैरह जब डालते हैं तो आसानी रहती है, किसी गाय को अगर जो खाने की इच्छा हो तो खा लेगी, उठाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो भी फीड वगैरह देना है आसानी से दे सकते हैं। अच्छा। कोई झगड़े वगैरह होते नहीं है गाय वगैरह में। और उसके बाद जो मज़दूर रहता है उसके लिए भी फ़ायदा बन रहता है ये वाली विधि। अच्छा। आसपास वाली रहती है उसमें तो कंजेस्टेड मामला रहता है। और इसमें जो रहता है गोबर वगैरह सोनने की जरूरत रहती है, वो भी बिल्कुल साफ़ सफाई अच्छी रहती है इसमें। अच्छा। सर ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि आपने सब ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रखा है यहाँ पर। हाँ, ये पानी के लिए कर रखा है। अच्छा सर, ये लेवल सिस्टम बना रखा है अपन। लेवल सिस्टम बना रखा है। हाँ, तो 24 घंटा पानी आता है। 24 घंटे इनके पास पानी रहता है। और सर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपने चेम्बर बना रखा है, सर इनके बारे में डिटेल बताइए थोड़ी। ये चेम्बर गोनी इकट्ठे करने के लिए बना रखे अपन ने। जैविक खेती भी करते हैं, जैविक खेती तो उसमें अपन गोनित का जरूरत पड़ती है तो वो यूज़ करते हैं इससे। अच्छा। इकट्ठा बाहर चला जाता है, वहाँ टैंक है उसमें यूज़ हो जाता है, इकट्ठा होता है। अच्छा। उससे अपन यूज़ करते हैं जी सर। और एक और डिटेल बताइए आप कि जो आप घी बना रहे हो। हाँ हाँ सर, उसको आप कितने रुपये केजी में सेल कर रहे हो? अपन अभी घी दे रहे हैं 1700 रुपये केजी में दे रहे हैं। अच्छा सर। हाँ। और सर यहाँ पर आप थोड़ी वेराइटी बताइए जो कि आपके पास यहाँ पर गिर गाय हैं। हाँ। इनके बारे में थोड़ी जानकारी बताइए। ये गिर नस्ल की गाय है। हाँ। और ये बहुत बेस्ट गाय है। अच्छा। इसने अभी 8 लीटर पर टाइम का दूध दे रही है। 8 लीटर पर टाइम का दूध दे रही है। इसका नाम रानी है और अभी आराम कक्ष में है। सभी 3 बजे तक आराम करते हैं। अच्छा। 11 बजे से आराम करते हैं, 3 बजे तक आराम का समय रहता है इनका। अच्छा। ये 3 बजे बाद भोजन का समय रहता है। सर जो इन गायों की जो एक इसी गाय पर आपने डेयरी फार्म क्यों शुरू किया सर? जैसे बहुत सारी गायें साहिवाल हो गई हमारी देसी गायों की, तो सर गिर पे शुरू करने का क्या मतलब था सर? गिर पे इसलिए स्टार्ट किया कि इसकी जो दूध की क्वालिटी रहती है, स्वर्ण की मात्रा रहती है दूध में। जी सर। और गोनीत में भी स्वर्ण की मात्रा रहती है। जी। और जो बीमारी अधिक से अधिक बीमारी, अच्छी से अच्छी बीमारी खत्म कर देती है, कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक वगैरह जो भी है, मतलब लेवल में कर देती है। अच्छा। और इसके दूध तो ए टू मिल्क कहलाता है। बिल्कुल सही बात है सर। और सर अभी मैं जैसे कि यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपने जो ये बना रखा है, पहले इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइए कि जो आपने बना इसकी कॉस्ट कितनी आई थी सर बनाने में, जो कि ऑटोमेटिक वाटरफॉल सिस्टम बना रखा है आपने? ये तो कोई इतना नॉर्मल खर्च है, जनरल कोर्स में करीब 10 से 12 हज़ार का खर्च आया था अपने को पूरा टोटली का। टोटली? हाँ। तो सर आपने यहाँ बना रखा है गाय के घूमने के लिए, तो सर इसकी कितनी कॉस्ट आई थी? ये तो कोई जनरल कॉस्ट है और ये सेट बनाने में 4-4.5 लाख रुपये लगे थे उस समय पे। अच्छा। करीब 2 साल पहले। सर यहाँ पर आपने गायों के घूमने के लिए बना रखा है और सर यहाँ पर आप, मैं देख रहा हूँ कि आपने पानी के लिए व्यवस्था कर रखी है। हाँ हाँ। सर ये जो पानी आ रहा है डायरेक्ट चूने से, मतलब टंकी में आपने चूना डाला है फिर यहाँ पर डालते नहीं? अपन यहाँ पे चूना डालते हैं, टंकी में चूना ऑलरेडी रहता है, अपन जो चूना कम आता है वहाँ से और यहाँ अपने अनुसार डालते रहते हैं। अच्छा। हाँ, पर डे। सर आप बछड़े बताइए अपनी यहाँ पर के, जो बच्ची है ये भी बच्ची है, ये बच्ची है। सर कौन सी वेराइटी है मतलब आपके पास में? सभी गिर नस्ल की है। सभी गिर में? हाँ। और सर अभी आपके यहाँ पर जो टोटल गाय दूध कितनी दे रही है सर? अपने पास अभी टोटल 5 से 6 दूध दे रही है। 5 से 6 दूध? हाँ। अच्छा सर। तो सर इस जो आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है जिसे हम देख सकते हैं आपके पास इतनी सारी गाय हैं। हाँ हाँ। तो सर इसमें आपने कितना लोन लिया था? ये मैंने 20 लाख का लोन लिया है, बैंक ऑफ इंडिया से लिया है। अच्छा सर, बैंक ऑफ इंडिया से। हाँ, एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस के अनुसार जो ट्रेनिंग हुई थी भोपाल में। अच्छा सर। उस बेस पे लिया है। हाँ, उसमें कितनी सब्सिडी मिली थी आपको? इस पर सब्सिडी 7,20,000 है, 36% सब्सिडी मिली अपने को। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है। तो सर जैसे कि लोन में बहुत दिक्कत आती है कि लोन नहीं मिल पा रहा है, तो सर उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं? वो रहता है कि एक मेन चीज़ बैंक बैलेंस भी चेक करते हैं बैंक वाले। अच्छा। और उसके आधार पर देते हैं और मेन चीज़ बैकग्राउंड अच्छा देखते हैं। जी। और उसके बाद जो भरने की किस्त वगैरह रहती है वो भी सही चलना चाहिए, उसके बेस पे सब्सिडी वगैरह मिलती है अपने को। हाँ जी सर। हाँ। उसमें पीछे जो लगा रखी है वो गन्ना घास है और बीच में चाप कटर वाली जो है। अच्छा सर। हाँ।
सर कितने बीघा की है जो आपने लगा रखी? ये 1.5 बीघा के आसपास लगा रखी है अपन। अच्छा सर, 1.5 बीघा। हाँ सर, आपने चेंबर का बना रखा है जो आप पूरे को इकट्ठा करते हो? ये बाहर बना रखा है अपन ने, सभी यहाँ पे टैंक रख देते हैं, इकट्ठा हो जाता है गोनीत वगैरह। अच्छा सर। हाँ, यहाँ नीचे हाँ सारा इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसमें डायरेक्ट अंदर चला जाता है। तो किसान वीरों, ये थी पूरी इस डिटेल इस डेयरी फार्म की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी ज़रूर दबा देना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो किसान वीरों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।